निवेशकों के करोड़ों रुपये वापस दिलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। 11 दिसंबर न्यू अपडेट नई दुनिया अखबार से। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ इस वक्त हमारे सामने आई है। दोस्तों देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। चिम्मन नई दुनिया प्रतिनिधि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे करोड़ों रुपये वापस दिलाने के लिए निवेशक और एजेंट एकजुट हुए। पैसा वापस दिलाने की मांग को लेकर सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नायब तहसीलदार प्रशंसित सिंह को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। निवेशकों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 21 वर्ष से पूरे देश में कार्यरत है। इसमें लगभग 22 लाख सदस्य जुड़े हैं। 17 माह पूर्व केंद्र और राज्य सरकारों ने इस सोसाइटी की कार्यशैली पर कुछ आपत्तियां उठाते हुए इसे कामकाज पर रोक लगा दी है। सोसाइटी में अधिकांश मध्यवर्ग परिवार के सीनियर सिटीजन, पेंशन और महिलाएं हैं। सरकार द्वारा कामकाजों पर रोक से निवेशकों एवं एजेंटों का करोड़ों रुपया फंस गया है। इस रुपए को सरकार द्वारा निवेशकों और एजेंटों को वापस दिलाने के लिए सोसाइटी द्वारा आदर्श संघर्ष समिति का गठन किया गया है। यह समिति कई समय से रुपये की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। समिति की यह मांग है कि वर्तमान सोसाइटी के निवेशकों व एजेंटों के जो रुपये फंसे हुए हैं उनको तत्काल भुगतान कर सभी को राहत प्रदान की जाए। इससे देश भर के लाखों निवेशकों व एजेंटों की आजीविका सुचारू रूप से चल सकेगी। इसी मांग को लेकर संघर्ष समिति सदस्यों द्वारा कलेक्ट्रेट जयसिंह गंगवार के नाम नायब तहसीलदार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से सुनाई जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त।